हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका आविष्कारी अभी, और सामने लगी है टाटा की सफारी नई वाली। अब ये वेरिएंट कौन सी है, उसके बारे में, ऑन रोड प्राइस क्या आएगा, एक शोरूम प्राइस क्या आएगा, अंदर फीचर आपको क्या क्या मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वेरियंट में बता दूँ, ये एडवेंचर प्लस ए वेरियंट है। अब एडवेंचर प्लस ए में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको एडास के लिए यहाँ पे रडार और यहाँ पे कैमरा, दो चीज़ जो है आपको इसमें ऐड कर दिया गया है विद सनरूफ के साथ में। अब इसके एक शोरूम प्राइसिंग की बात करें, 23.49 लाख इसकी एक शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड अगर बात करें 27.22 लाख इसकी ऑन रोड प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीलर का नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। अब बात करें इसमें इंजन की, तो भाई ये डीजल में ही आती है, चाहे ये हो चाहे हैरियर हो, डीजल वेरिएंट में ही आती है। तो आपको 2.0 लीटर का टर्बो चार्ज आपको इंजन मिलता है, जो कि BS6 Phase 2 नॉर्म्स को जो है जस्टिफाई करती है। इनलाइन 4 सिलेंडर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आती है। अब भाई डीजल है तो पावर भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, 170 PS की पावर और 350 न्यूटन मीटर का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। लेंथ की अगर बात करें तो 4,668 mm की इसमें आपको लेंथ मिल जाती है। विड्थ आपको अच्छा खासा मिलता है, 1,922 mm की, और हाइट की बात करें 1,795 mm का इसमें आपको हाइट मिलता है। व्हील बेस वही 2,741 mm का मिल जाता है। काफ़ी लंबी ये व्हीकल है, ये 7 सीटर नहीं, ये मतलब ये 7 सीटर वेरिएंट में आपको अवेलेबल आपको है। फिर उसके बाद अगर टायर प्रोफाइल की बात करें, तो टायर प्रोफाइल आपको जो है देखते हैं इसमें क्या है। टायर प्रोफाइल डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ में ये आपको 18 इंचेस के, यहाँ आप देखोगे 18 इंचेस के व्हील भी आपको इसमें मेंशन की गई है, जिसमें आपको चारों में डिस्क ब्रेक आपको इसमें मिल जाता है। एक बार चेकआउट कर लेते हैं। यस, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक जो है देखने को मिलेगा, आगे भी देखने को मिलेगा। देन अगर बात करें इसमें और क्या आपको मिलता है, तो भाई टाटा अपने सेफ्टी के लिए ही जानी जाती है। 6 एयरबैग, ABS-CVT, हिल होल्ड कंट्रोल, ऑल व्हील डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोफिक चाइल्ड एंकर सीट जैसे फीचर जो है आपको इसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। शुरू से लेके अंत तक ये आपको अभी भी मिलती है। अब इसमें 360 कैमरा व्यू मिलता है, तो यहाँ पे आपको जो है कैमरे की प्लेसिंग की गई है, और आपको दोनों ORVM और पीछे एक, यानी 360 व्यू कंप्लीट जो है इसी से होगा इसमें आपको। उसके बाद अगर बात करें एडास में, आपको जो है वही सारे फीचर जो है, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, फ्रंट कोलिजन मिटिगेशन, लेन की असिस्ट जैसे फीचर आपको ढेर सारे मिल जाते हैं। अब इसकी बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। वारंटी आपको 3 ईयर और 1 लाख किलोमीटर तक मिलती है, आप उसे एक्सटेंड 5 ईयर 1.5 लाख तक जो है कर सकते हो। अब बात करें इसके डिज़ाइन प्रोफाइल की, तो सबसे पहले इसके की हाथ में है, वही आपको सिमिलर की मिलती है जो आपको पहले मिलती थी, लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प, और यहाँ पे बूट के लिए। तो एक बार फॉलो मी हेडलैम्प ऑन करते हैं, तो आपको कंप्लीट जो है कनेक्टेड इसमें DRL देखने को मिलेगा विथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प। और फॉग लैम्प की अगर बात करें, तो ये भी जो है आपको डुअल बेस जो है, यहाँ दो आपको प्रोजेक्टर जो है देखने को मिलेगा, फॉग लैम्प भी कंप्लीट कनेक्टेड आपको जो है इसमें DRL इंट्रोड्यूस की गई है। सफारी और हैरियर में ज़्यादा कुछ नहीं डिफरेंसेस आपको जो है ग्रिल से आपको पता चल जाएगा, और सीटिंग आपको देख के पता चल जाएगा। सीट ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है सफारी है, सीट अगर कम है 5 सीटर आपको हैरियर मिलती है। अगर जो इसके इंडिकेटर को चेकआउट करें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इंडिकेटर है ओनली, उसके बाद जो है बाकी जो है सारा जो है आपको कनेक्टेड DRL जैसा वर्क करता है। फ्रंट में आपको जो है देखने को मिलेगा एक दो आपको पार्किंग सेंसर, आगे रेडार यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 360 कैमरा का दिया हुआ है, टाटा की ब्रांडिंग की गई है। ग्रिल इसका जो है कंप्लीट, यहाँ पे अगर आप देखो अपर ग्रिल जो है कंप्लीट ओपन है वेंटिलेशन के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लोअर ग्रिल भी आपको काफ़ी वाइड अमाउंट में ओपन है, जिससे जो है अच्छा खासा जो है आपको वेंटिलेशन होता रहेगा। अब अगर यहाँ देखा जाए, तो ये छोटा सा स्पेस जो है टायर वेंट के लिए बनाया गया है, जो अगर सफारी और हैरियर यूज़र है वो कमेंट करके बताएं क्या ये सच में वर्क करता है कि नहीं करता है। ये आप देखो यहाँ पे सफारी की यहाँ भी जो है ब्रांडिंग की गई है, छोटा सा लिखा हुआ है, और काफ़ी अच्छा थ्रो है इसका, नाइट में काफ़ी जस्टिफाई करती है इसके हेडलैम्प।
फ्रंट में आपको जो इसके जो डिफ्यूज़र आपको जो दिख रही है बम्पर सिल्वर कलर की है, डार्क में है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन अगर साइड से अगर देखा जाए मस्क्यूलर है, यहाँ आप देखो बोनेट के साथ जो है यहाँ से मस्क्यूलर आपको जो है टायर इसका क्लैडिंग दिखेगा। एंड इसमें जो है वाइट कलर की बॉडी के साथ ब्लैक कलर की टायर क्लैडिंग पतली सी दी गई है, जो कि आपको कंप्लीट जो है एंड तक जाती है। देन यहाँ पे सफारी की ब्रांडिंग की गई है, 18 इंचेस का जो है डायमंड कट एलॉय व्हील इसमें आपको मिल जाता है, एलॉय व्हील ही है बिल्कुल। यहाँ पे आपको जो है बॉड पियानो ब्लैक में आपको जो है ORVM मिलते हैं। इसको कर लेते हैं ओपन। ये इसका जो है बॉडी कलर जो है आपको डोर हैंडल मिलता है विथ रिक्वेस्ट सेंसर पैसिव एंट्री के लिए। सफारी की यहाँ पे ब्रांडिंग ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट जो है बड़ा सा रूफ रेल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इसका जो है क्वार्टर पैनल ग्लास है, काफ़ी बड़ा सा इसमें आपको क्वार्टर पैनल ग्लास देखने को मिलता है। और इसकी जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट जो है इसके रूफ रेल को कनेक्ट करती है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें जो है वही जो लैंड रोवर वाली जो है इसमें आपको जो है मिलती है, इसकी प्लेटफॉर्म मिलती है अल्फा टेक ARC करके कुछ है, या ओमेगा आई थिंक होगी ये। तो अब इसके चलते हैं पीछे। पीछे आपको जो है किस तरीके का लुक मिलेगा वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ भी आपको कंप्लीट LED में, और भाई साहब ये कनेक्टेड है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लायन, लायनेस और उसके दो बच्चे, इट मीन कि ये सच में एक फैमिली कार है, मतलब पप्पा मम्मी और दो बच्चे हैं। देन यहाँ पे आपको डिफॉगर, पीछे आपको वाइपर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, ये है रेन वाइपर रेन के लिए है, बड़ा सा आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे लाइसेंस प्लेट के लिए आपको LED में आपको जो है लाइट मिल जाता है। देन अगर आप इसके बूट स्पेस को ओपन करें, बूट स्पेस में आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बूट स्पेस में अगर ऐसे अगर बात करें तो सच में यहाँ पे एक बैकपैक रखने भर का जगह है, एक नहीं दो दो बैकपैक जो है 30 लीटर वाली जो है आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत जो है बिल्कुल नहीं होने वाली है। बट जब आप इसको अनफोल्ड करते हैं 60-40 में, तब आपको एक ह्यूज सा आपको अमाउंट वाला जो है पीछे आपको बूट स्पेस मिल जाएगा, जिसपे आप जो है कहीं भी अगर जा रहे हो दो चार सूटकेस वगैरह जो है आप आराम से कैरी कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम इशू बिल्कुल नहीं होने वाली है। यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे ग्रैब करने के लिए, और ये प्लास्टिक मटेरियल भाई अच्छी खासी है भाई, टाटा की गाड़ी अपनी सेफ्टी के लिए ही जानी जाती है। यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है जो कि कैमरा डायनामिक गाइडलाइन के साथ में आता है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। टाटा की ब्रांडिंग की गई है, सफारी की ब्रांडिंग यहाँ पे स्प्रिट में की गई है, जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टाइप जो है दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे पार्किंग सेंसर एक दो, टोटल दो पार्किंग सेंसर है, और यहाँ पे जो है रिवर्स लैंप आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तो वो लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके ड्राइवर साइड। ड्राइवर साइड आपको क्या क्या मिलता है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ डिटेल में। लाइक वही आपको जो पहले हैरियर मिलता था सेम आपको इंटीरियर आपको मिलता है, चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ ग्रैब करने के लिए है, और कंप्लीट जो है आपको चॉकलेट कलर का जो है कॉफ़ी कलर में आपको दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे पेडल लैम्प भी देखने को मिल जाएगा, ये आप देख लो यहाँ पे पेडल लैम्प है, ये आप लाइट दिखेगा। और यहाँ पे दूर से अगर आप जो है कभी रात में नाइट में अगर डोर खोलोगे तो पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको ये जो है बहुत दूर से ही दिख जाएगा कि भाई दरवाज़ा खुला हुआ है, डोर ओपन है, तो वो अपने आप को कंट्रोल करेगी। लेकिन यहाँ पे सारे विंडोज़ के कंट्रोल है, ये कंप्लीट जो है लेदर वर्क में आपको मिल जाता है। यहाँ पे ORVM की यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं, बॉटल होल्डर, स्पीकर, ट्विटर की प्लेसिंग कहाँ पे है, ट्विटर आई थिंक अंदर है यहाँ पे बॉटल के लिए, यहाँ पे अम्ब्रेला रखने के लिए, यहाँ पे मैगजीन वगैरह रखने के लिए, ये डोर ओपन करने के लिए। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट है क्या, देखने में तो लग रही है, ये तो पता चल जाएगा अंदर बैठने के बाद वेंटिलेटेड है कि नहीं। हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ से मिल जाएगा, मैनुअल आपको हाइट एडजस्टेबल है, ये आपका रिक्लाइनर है, ये आपका रिक्लाइनर है। ओके, अब चलते हैं इसके अंदर। कंप्लीट जो है लेदर है, और काफ़ी अच्छा इसका सपोर्ट भी है, बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा है। अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करेंगे कि इसमें और क्या क्या आपको मिलने को देखने को मिलेगा। तो अंदर आ गए हैं अपन, करते हैं इसको ऑन। इसका पावर की बटन कहाँ पे है, वो है यहाँ, दो बार प्रेस करने के बाद एल्यूमिनेशन ऑन हो चुका है।
ओहो, क्या बात है। बोल देख, क्या यार, इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी कलरफुल है यार, काफी कलरफुल है, बहुत जबरदस्त लग रहे हैं देखने में। यहाँ पे आपको 12.25 इंच का यहाँ पे आपको डिस्प्ले आपको मिल जाता है, जो कि काफी बड़ी है। ये अब देखना है कि इसमें वेंटिलेटेड सीट है कि नहीं, वो एक बार पता कर लेते हैं। यहाँ तो मुझको नहीं दिख रहा है। थ्री फ्यूल सिक्सटी लेवल इज लो, थ्री सिक्सटी कैमरा प्लीज यहाँ पे आपको चेक। दिख जाएगा इसमें। हाँ ठीक है ना, प्लीज चेक। या आप देख लो इसके 360 व्यू को देख लो, सफारी के काफी अच्छी लग रही है देखने में, और काफी बड़ी भी है भाई। ओए हो, इसका एनिमेशन जो है काफी, एनिमेशन कैरेक्टर काफी अच्छा है इसका, एकदम जो है वो हुबहू मैच कर रहा है, किसी तरह का कोई कमी टाटा ने नहीं छोड़ी है, काफी अच्छी लग रही है देखने में। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट वगैरह सारे इसमें एडास लेवल 2 है, तो इसमें आपको सारे कुछ मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, इनफैक्ट इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ इसमें आपको मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों इसमें आपको मिल जाता है। एल्यूमिनेटेड कंप्लीट स्टेयरिंग व्हील है, 4 स्पोक स्टेयरिंग व्हील, ये आपको लेदर में आपको कंप्लीट कवर मिलता है, ये आपको फ्लैट बॉटम है। उसके बाद ये कंप्लीट आपको सिर्फ और सिर्फ ओके, ये जो है आपका ऊपर नीचे टेलीस्कोपिक है, कंप्लीट है। ओके, देन यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल करने के लिए है Rough road. Wet वेट्रो। mode is activated. City drive mode activated. Rough road mode is activated. इतनी प्यार से, माय गुडनेस। ओके, फिर यहाँ पे आपको कंप्लीट लेदर का वर्क देखने को मिलेगा, ये इसका एसी वेंट का एरिया है जो कि काफी अच्छी लग रही है। ये आपको कंप्लीट जो है एल्यूमिनेटेड आपको जो है इसके सारे कंट्रोल है 360 के लिए, यहाँ पे लॉक करने के लिए, यहाँ पे बूट स्पेस यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाता है, ये पूरा जो है लेदर वर्क में, ये सारे एबीएस प्लास्टिक, काफी स्ट्रांग मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइटिंग भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सी टाइप और ए टाइप दोनों पावर सॉकेट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वायरलेस पैड भी देखने को मिलेगा, यहाँ से स्पोर्ट मोड डायरेक्ट Sport आप drive mode स्पोर्ट ड्राइव मोड यहाँ activated. से भी एक्टिवेट कर सकते हो, इकोनॉमी वाला यहाँ से भी आप Economy ऐड drive कर mode सकते हो। activated. ये सारे 5 कंप्लीट जो है इसमें है। यहाँ पे आप ट्रैक्शन जो है, ट्रैक्शन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, और ये मोड आपका है, ये दोनों मोड अलग है, ये ट्रैक्शन दोनों अलग है, एक जैसा कुछ नहीं है इसमें। ये इकोनॉमी मोड है, ये आपका स्पोर्ट्स मोड है, और ये ट्रैक्शन होता है, ये ट्रैक्शन लेवल अप डाउन करने के लिए है। ऑटो पार्क होल्ड यहाँ पे मिलता है, ऑटो होल्ड पार्किंग सिस्टम आपको मिल जाता है कंप्लीट। मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर नॉब यहाँ पे, 3 कप होल्डर कैसे आएगा, 3 2 आएगा आई थिंक, 2 कप होल्डर है। यहाँ अगर आप देखो तो इसके अंदर आर्म रेस्ट के अंदर 12 वोल्ट का सॉकेट, अच्छा यहाँ भी सी टाइप और यहाँ ए टाइप, वाह वाह क्या बात है, वेरी गुड, यहाँ भी दिया हुआ है अलग से। ऑटोमेटिक वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, सारा कुछ इसमें एडवांस लेवल का मिलने वाला है। यहाँ पे मैनुअल आपको मिलता है, ये थोड़ी सी कमी आपको लगेगी, मैनुअल IRBM मिलता है, जो कि थोड़ी सी और मिल जाती है ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने का इंडिकेशन है, ये आपको कंप्लीट LED में, ये आपका जो है सनरूफ देखो, जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे कंप्लीट जो है बंद हो जाता है इसका एम्बियंट लाइटिंग। ये बड़ा सा आपका पैनारोमिक सनरूफ आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। ओके, देन अब इसमें पीछे अब चलते हैं, उससे पहले यहाँ पे आपका टिकट होल्डर नहीं है, यहाँ पे आपका वैनिटी मिरर है। ओहो, लाइट के साथ है, ऑटोमेटिक लाइट, क्या बात है, ये थोड़ा सा एक अच्छा लगा देखने में। इसमें आपको सारे फीचर आपको दे दिए हैं। यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको जो है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ आपको जबरदस्त सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, वो भी कूल्ड ग्लव बॉक्स। अब चलेंगे इसके पीछे, यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ भी आपको जो है एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिलेगा। यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हो, सारा सारा जगह आपको एम्बियंट लाइटिंग देखने को इसमें मिल ही जाएगा। पीछे के डोर में आपको सेम टू सेम आपको मिलता है विंडोज के कंट्रोल, लेदर अपॉल्स्ट्री का इसमें काम किया गया है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत, कलर इसका जो है चॉकलेट कलर काफी अच्छा लग रहा है। ग्रैब के लिए, ओपन के लिए, यहाँ भी आपको जो है एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। यहाँ फोन रखने के लिए छोटा सा स्पेस दिया है, बॉटल रखने के लिए, स्पीकर एंड ट्विटर, और ये इसमें भी ऐड किया गया है जो हुंडई और सेल्टॉस में आती थी, हुंडई की और किया की कार में, ये दोनों आपको जो है यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। देन अब चलते हैं इसके अंदर,
अंदर आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता है वो भी एक बार जान लेंगे। भाई सफारी है, काफ़ी बड़ी कार है, तो इसमें आपको अच्छी खासी लेग रूम, हेड रूम और थाई सपोर्ट इसमें आपको काफ़ी बड़ी मिलने वाली है। क्योंकि भाई बड़ी कार है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपको स्पेस अच्छा खासा मिलेगा। अब देखो पीछे यहाँ भी एसी वेंट, बाकी सारे यहाँ रहते हैं एसी वेंट, लेकिन इसमें यहाँ एसी वेंट दिया गया, इसके पिलर में एसी वेंट दिया गया है, क्योंकि काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है ये। यहाँ पे ए टाइप और यहाँ पे सी टाइप, ये दो आपको पीछे ए टाइप सी टाइप आपको पोर्ट मिल जाता है फ़ोन चार्ज करने के लिए। यहाँ पे आपका जो है फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो। पीछे अगर देखिए यहाँ पे तो कंप्लीट जो है एलईडी में यहाँ भी है और यहाँ भी आपको दोनों साइड जो है आपको देखने को लैम्प मिलेगा, रीडिंग लैम्प। ये आपका सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ, यहाँ पे ग्रॉसरी हुक करने के लिए एक छोटा सा स्पेस। अब चलते हैं उधर से उतरेंगे ताकि इसके पीछे वाले सीट को एक्सेस कर सकें। तो इसको ओपन करने के लिए बस यहाँ इस एरिया को जो है करते हैं, ओपन हो जाओ। ओके, एक बार में ये हो जाता है, आई थिंक कहीं प्लास्टिक जो है अटकी होगी जिसके वजह से वन टाइम में ओपन नहीं हुआ। चलते हैं अब इसके पीछे, पीछे जो है देखते हैं अडल्ट के लिए है या सिर्फ और सिर्फ किसी बच्चे के लिए है। मेरी हाइट ऑलमोस्ट जो है ना 5'9" 10" है, तो थोड़ा सा मुझको इशू हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आराम से सीधा अगर बैठे तो आराम से हो सकता है। हेडरेस्ट जो है आपका एडजस्टेबल है कंप्लीट, आराम से बैठ सकते हो, कोई अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था हेडरेस्ट। तो अभी अगर बात करें ना 5'10" वाले, 9'10" वाले 6 फीट से जिनका कम है, वो पीछे भी आराम से बैठ सकते हो, वो आपको सिटिंग में आपको इशू नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। और जिनका अगर हाइट ज़्यादा है और जिनको ज़्यादा स्पेस चाहिए उनके लिए तो फिर सफिशियंट नहीं है भाई, मैं किसी को पर्टिकुलर कुछ नहीं बोल सकता हूँ। पीछे रो में भी आपको एसी वेंट देखने को मिल जाएगा, पीछे अगर आप बैठे हो यहाँ भी एसी वेंट है, यहाँ से ब्लोवर को आप कंट्रोल कर सकते हो। देखिए हवा इसमें से आने लगा, क्या बात है, बहुत अच्छा, दमदार है भाई, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है और ये क्या है, ये फ़ोन वगैरह रखने के लिए एक छोटा सा स्पेस। यहाँ भी आपको कप होल्डर, USB A टाइप, USB C टाइप और छोटा सा स्पेस, और यहाँ भी AC वेंट की जगह, और यहाँ ऊपर LED पैनल में आपको जो है इसके रीडिंग लैम्प, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। तो चलते हैं इसके अब बाहर, कंप्लीट तो हो गया। तो भाई ये था एक ओवरऑल रिव्यू क्रिएटिव प्लस ए का, जो कि आपको इसमें ढेर सारे फीचर आपको एड ऑन की गई है, उसके साथ 360 व्यू कैमरा लाइक एडास फीचर आपको इसे टॉप नॉच फीचर के साथ जो है अग्रेसिव लुक भी देती है। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताना। अगर कोई सोच रहा है परचेज़ करने को सफारी की कौन सी वेरिएंट ले, तो अगर देखा जाए तो ये वेरिएंट भी जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको सारा कुछ इसमें आपको मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।